बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन से कैसे बचे। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसी को, हर लड़की को डिप्रेशन का स्ट्रेस आ जाता है, चाहे वो सिंगर नेहा कक्कड़ हो या एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण हो। एक्सपर्ट मानते हैं कि ज़्यादातर लड़कियाँ इमोशनली स्ट्रांग नहीं होती और बॉयफ्रेंड से अलग होने के बाद उन्हें एक शौक लगता है। ब्रेकअप के बाद लड़कियों को लगता है जीवन में अब कुछ भी बचा ही नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसा सोचने पर सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने की उम्मीद ख़त्म हो जाती है, जिसे डिप्रेशन की समस्या गंभीर होती है। ऐसे कंडीशन में कुछ लड़कियां बहुत ही गलत कदम उठाने के बारे में सोच लेती हैं, जबकि इससे निपटने के कई उपाय मौजूद हैं। बस ज़रूरत है तो खुद पर थोड़ा ध्यान देने की। आजकल रिलेशनशिप बनना और उनका टूटना बेहद आम हो गया है, जिससे ब्रेकअप करने वालों की संख्या में काफ़ी इजाफा हो रहा है। 5 ऐसी मैं टिप्स बताऊंगा जिसके बदौलत लड़कियों को अब ज़्यादा डिप्रेशन में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसमें नंबर 1 पे, बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन से बचने के लिए उसे सोशल मीडिया पे ब्लॉक करें। ब्रेकअप के बाद फिजिकल लाइफ के साथ ही डिजिटल लाइफ भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। जब बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर रहे हैं तो फिज़िकली भी और डिजिटली भी उसे हटा दें, ब्लॉक कर दें, व्हाट्सअप, फेसबुक, सारी जगह पर यहाँ पर ब्लॉक कर दें। रिलेशनशिप एक्सपर्ट मानते हैं कि बॉयफ्रेंड से अलग होने के बाद उसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तो ब्लॉक करना ही चाहिए, साथ में उसकी ईमेल आईडी को भी स्पैम में डाल देना चाहिए, उसके नंबर को ब्लॉक कर देना चाहिए, ताकि फिर से डिप्रेशन में अगर आप हैं तो पैचअप की कोई उम्मीद ना रहे और फिर से आपको कोई डिप्रेशन ना आए। नंबर 2 पे जो तरीका है वो है थेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं। बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद अगर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन आ रहा है तो कोई थेरेपिस्ट से आप बात कर सकते हैं। कुछ लड़की अपने हाथ की नस काट लेती है, सुसाइड कर लेती है, ऐसा कुछ करती है, वो सारी चीज़ें गलत हैं। ब्रेकअप के कारण होने वाला डिप्रेशन बहुत ही खतरनाक होता है, इसे उभरने में समय लगता है। ब्रेकअप के बाद आपके दिमाग में बॉयफ्रेंड की बातें, उसकी यादें आती रहती हैं, मेंटल लेवल ठीक नहीं होता, तो हो सकता है कि आप अगर थेरेपिस्ट के पास जाएँ तो अच्छा रिजल्ट मिले। तीसरा जो तरीका है वो है ब्रेकअप के डिप्रेशन से बचने के लिए नई हॉबी पैदा करें। कॉन्फिडेंस आपका ख़त्म हो गया है ब्रेकअप के बाद, इसे उभरने के लिए कुछ नया करेंगे तो कॉन्फिडेंस फिर से आएगा। 24 घंटे उसी से जुड़ी बातें दिमाग में चलती रहती है तो ऐसी कंडीशन में ठीक नहीं रहता, आपका माइंड कहीं और एंगेज रहे। और आपको डिप्रेशन से बचने में मदद मिले इसके लिए नई हॉबी डेवलप करें, वो चाहे डांस हो, कोई म्यूज़िक, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, सिंगिंग का हो, या तो फिर कुछ भी हो सकता है। चाहे दूसरों को पसंद आए ना आए, लेकिन वो हॉबी आपको डेवलप करनी चाहिए। बच्चों के साथ खेलना हो, घूमना हो, कुछ भी हो, वो आपको डिप्रेशन में बहुत ही काम आएगा। नंबर 4 पे जो टिप है वो है एक्सरसाइज करें। चाहे आपको बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के कारण डिप्रेशन हुआ या तो फिर किसी और वजह से, इससे निपटने का सबसे आसान तरीका है आप रोज़ एक्सरसाइज करें। स्टडी में पाया गया है कि रोज़ाना 30 मिनट एक्सरसाइज करने से आपके मूड पर इसका इतना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है जितना ही एंटी डिप्रेसेंट दवाओं का भी नहीं पड़ता। एक्सरसाइज करने से होता क्या है, ब्रेन में सेरोटोनिन का जो केमिकल है उसका लेवल बढ़ता है, जिसके बदौलत आप अच्छा महसूस करते हैं, आपकी बॉडी अच्छा महसूस करती है। इसलिए बॉयफ्रेंड के ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन को दूर करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक चीज़ मानी जाती है। नंबर 5 पे और आखिरी जो तरीका है वो है डिप्रेशन से बचने के लिए खाने पीने की आदतों पर ध्यान दें। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद बहुत सी लड़कियां खाना पीना छोड़ देती हैं, लेकिन ये गलत बात है। कई बार भूख प्यास भी नहीं लगती, हालांकि फीलिंग उतनी ज़्यादा होती है। तो अगर आप ब्रेकअप के कारण डिप्रेशन को भगाना चाहते हैं तो याद रखें कि डाइट पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें। इस दौरान जब आप समय पर हेल्दी चीज़ें खाएंगी तो आपके माइंड और बॉडी को पोषण मिलेगा, और वही पोषण कई केमिकल्स रिलीज कर सकता है, डिप्रेशन से उभरने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन होने पर जो लड़कियां खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान देती हैं वह धीरे धीरे वहाँ से बाहर आती है, या दर डिप्रेशन को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप बॉयफ्रेंड के साथ अगर ब्रेकअप हुआ है तो वहाँ से डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, वहाँ से आप आसानी से एक अलग दुनिया में आ सकते हैं।
अब है बारी कमेंट ऑफ द डे की। हमने एक वीडियो डाला था, ये दो गिफ्ट दो अपने पार्टनर को हमेशा याद रखेगा। उसमें अक्षा और शिफा ने वेरी ब्यूटीफुल करके कमेंट किया है, थैंक यू। आप भी अपनी कमेंट कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई भी वीडियो में देख सकते हैं। तो अगर आप लड़की है और अगर आपका भी ब्रेकअप हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे जिए भी ये फ्रांझा मजनू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।